हाँ जी सलाम वालेकुम। हाँ जी वाले सलाम सर जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक गुलफराज भाई, और तबीयत सेहत? ठीक ठाक सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। हाँ जी, तो गुलफराज भाई, आज के जो ये हमारा वीडियो है हमारी, इसके अंदर आप क्या बताएंगे हमें? अच्छा जी, इस तरह हुआ कि हम रात सारी ना, एक लड़का इंडियन अरफान है वो भाई, और मैं ना रात 12 बजे तक लगे रहे फ्री टूर से, यानी कि इसको रूट करने के लिए। मोबाइल अभी हमें कौन सा फाइल है? नहीं मिल, मोटरोला है ये, मोटरोला E4 है, कॉलकॉम में है। एक मोटरोला अच्छा, E4 MTK में है, ये कॉलकॉम में है। ठीक है, ठीक फिर ठीक है। रात सारी मैं लगा रहा, कोशिश की पर कोई काम नहीं बना। अभी फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मैंने ना फिर एक देखा, मेरी EFT गूगल में ना रूट करने की ऑप्शन है जो बहुत ही ईजी है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों भाइयों को सबको बताया जाए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ठीक है अभी स्टार्ट करें जी, जी करें स्टार्ट। जी। सबसे पहले हमने ना जो उसकी फाइल है ना, मोटोरोला की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक हो ठीक गया, है, फाइल डाउनलोड होगी, उसमें ये बूट फाइल पड़ी है, हाँ जी ये बूट बिल्कुल। फाइल को हमने रख लेना बार या किसी, सॉरी किसी फोल्डर में रख लेना है। जैसे चलो ये दो नंबर फोल्डर है, न्यू फोल्डर नंबर 2, इसमें हमने ये डाल दी फाइल। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अभी हमने ये दोनों फोल्डरों को कर देना है क्लोज। फिर हमने करनी है EFT डोंगल ओपन। ठीक ठीक हो हो गया। गया, सबसे पहले हम करेंगे इसको रिफ्रेश। ठीक है, अच्छा ये मॉडल आ मोबाइल गया फोन जो E4। आपके पास है उसको आपने किस कंडीशन में कंप्यूटर के साथ लगाया हुआ है, हाँ जी, उसका ADB मैंने ऑन किया है और नॉर्मल मोड पे लगाया हुआ है, यानी कि मोबाइल फोन आपका ऑन है? ऑन है, बिल्कुल ऑन हालत में है और नॉर्मल मोड में है और इसका ADB ऑन है। ठीक हो गया ठीक हो जी। गया। हाँ वकास भाई, एक और बात बताऊं, जी जी जब हमने इसका डाउन लोडर ऑन किया था ना, तो इसकी जो फाइल थी ना, OME, क्या कहते हैं उसको, OEM, हाँ जी हाँ, वो हिडन थी, यानी लाइट नहीं थी। ठीक है, ठीक है। जब हाँ जब हम इसको रूट कर लेंगे वो खुद ब खुद लाइट हो जाएगी। अच्छा, तो आप थोड़ा बिल्कुल सा ये बताएंगे कि इस मोबाइल का आपने जो बूट लोडर है वो कैसे अनलॉक किया था? हाँ जी, तो सर जी मैंने पहले तो इसका जो ओरिजिनल फाइल थी ना उससे किया, तो ठीक है, यानी कि जो मोटोरोला वालों ने खुद बताया था उससे बहुत मैंने कोशिश की पर उससे नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, या मुझसे कमांड सही नहीं दी जा रही थी या इस तरह करके। फिर एक दोस्त भाई है, उन्होंने मुझे बताया था कि आप इससे ना CM2 से करो, ठीक है, CM2 से उसका मॉड्यूल है, AST मॉड्यूल है, AST मॉड्यूल, आप ओपन करके उसमें दिखा से देंगे? जा, हाँ तो दिखा देता हूँ मैं, चलो लगा। यानी कि मोटरोला जो क्वालकम के अंदर, सिर्फ उसके अंदर AST के अंदर मोटरोला का ही ऑप्शन है या किसी भी क्वालकम का कर नहीं नहीं सकते नहीं हैं? नहीं 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 सर जी, वो इस तरह है कि उसमें ये ऑप्शन है कि आप उसमें किसी का कर सकते हैं। यानी कि क्वालकम के अंदर जो भी है उनका बूट नहीं, लोडर उसमें हम, फास्ट फास्ट मोड की ऑप्शन है, फास्ट मोड के, जो फास्ट मोड में जाके कोई भी सेट का आप उसका कर सकते हैं। हाँ ठीक है। यानी कि फिर तो अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि CM2 में भी इससे भी हम कर सकते हैं। हम दरअसल ट्राई करते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पे चलते रहते हैं, हमारे पास वो चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते। जी, वकास हाँ भाई जी ये आ गया आपका। ठीक है, ठीक है। AST मॉड्यूल आ गया, इसमें क्या है, इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, गेट गेट अनलॉक। अनलॉक रिक्वेस्ट, ठीक है। ठीक हो गया, इस पे क्लिक किया। अच्छा, मैंने सारा पहले प्रोसीजर किया हुआ था, ठीक है, उसने यानी कि मोटोरोला वालों को मैंने इसकी पहले की थी कमांड देके, उसकी की उनको मिली, उन्होंने फिर मैं ईमेल में ना अपनी एक की भेजी जो मैंने लगानी थी कमांड के जरिए। ठीक जब है, मैंने इससे किया तो वो 1 सेकंड में ना उसने सब कुछ वादिया करके बता दिया, भाई ये की है ये, ओके ओके हो गया 1 सेकंड में, 1 क्लिक पे। ठीक सही हो हो गया गया जी, अब चलें आगे। चलो, जी। जी चलते हैं आगे। अभी मैंने ना मोबाइल नॉर्मल मोड पे लगाया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है, और EFT को ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले इसको स्कैन किया, हाँ जी स्कैन किया तो हमारे पास वो रिफ्रेश इसने यहाँ पे पोर्ट शो कर दी है। ठीक है, कर दिया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अभी हमने इसको करना कनेक्ट, ये इसने कनेक्ट करके ये बता दिया रूट फेल्ड। ठीक हो गया, अच्छा एक मिनट ठहरे, मुझे थोड़ा सा निशान लगा के बताने दे ताकि जो दोस्त हैं उनको ना अच्छी तरह से। इसको दोबारा एक दफ़ा डिसकनेक्ट करें, दोबारा फिर कनेक्ट करें वहाँ से। सही हो गया।
हाँ जी, मोबाइल को हमारा डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे कोई लॉग शो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से हमने अभी कनेक्ट ये करना देख है उसे, ठीक है। कनेक्ट किया तो ये इसका मॉडल आ गया, ठीक हाँ जी ठीक हो है, गया, अब आगे कनेक्ट मॉडल करें आ हैं इसे, गया। अभी हमने इसको किया कनेक्ट, ठीक ये हो उसने गया। ना उसका यहाँ पे मुकम्मल डाटा बता रहा बता है दिया। हमें कि फ़ोन जो है वो नॉर्मल मोड में है और उसका जो रूट परमिशन है वो फेल है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है वो नॉन रूटेड है। हाँ जी, या और ऊपर इसका ये वर्जन है 7.1 में 7.1। इसका वर्जन है और ये जो डिवाइस का चिप सेट है वो क्वालकम का है। ठीक हो गया, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक हो गया जी, चलें आगे। ठीक है, आगे चलें जी। अभी हमने इसको करना है रूट। अभी ठीक हम है, आएंगे इस जगह पे, फास्ट फास्ट, बूट पे, बूट हाँ जी पे। ठीक अभी है, वैसे हमारा नॉर्मल में लगा हुआ है, वैसे ही यानी कि फास्ट बूट पे जाके फ्लैश करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, अभी इन्होंने दो ऑप्शन बताई हैं विकास भाई, एक ठीक है, 4.3 से लेके 5 तक, और 5.1 से लेके 9.0 तक, ठीक है। तो ठीक हो हमारा गया। ये 5.0 से वाली ऑप्शन में आ रहा है, ठीक यानी कि ये देखें कि हो गया। ऊपर ना ये जो EFT है ये बहुत ही अच्छी डोंगल है, यहाँ पे ये ऊपर देखें, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि रूट ऑल एंड्रॉयड डिवाइसेस लाइक LG, क्वालकम, Xiaomi, हवावे, HTC, गूगल पिक्सल, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं जो क्वालकम CPUs के अंदर आती हैं वो वहाँ से हम उनकी फ़ाइल बना के उनको सबको रूट कर सकते हैं इसके ज़रिए। हाँ नहीं, विकास भाई ये क्वालकॉम में नहीं आ रही, यानी कि नहीं, ये जो फास्ट मेरा बूट, मोबाइल है ये फास्ट फास्ट, बूट में जो हाँ आ, जी, फास्ट बूट में जितनी हाँ डिवाइसेज जाती हैं ना, ज़्यादातर जो डिवाइसेज होती हैं वो क्वालकम की होती हैं, जो ज़्यादातर वर्क फास्ट बूट में करती हैं। जी जी, विकास भाई ठीक है। विकास भाई अभी हम शुरू करें, जी जी अभी करें, हमें करेंगे इसमें क्लिक, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो जो हमने फाइल बूट, रखी थी बूट फाइल, ठीक हाँ जी, बूट हो फाइल गया, जो रखी थी, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और ये प्रोसीजर शुरू हो गया। ठीक हो गया, ये हमारी जो है वो रूट फाइल बन रही है हमारी। बढ़ रही है जी, बिल्कुल सैमसंग का भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर होता है वो उस टूल के जी अंदर, जी यानी जी कि जो जी रूट फाइल हम बनाते हैं EFT से। जी थोड़ा सा आप बताएंगे कि EFT आपने कितने की बाय की थी? गुलफराज भाई, जी गुलफराज भाई, ये इसने फाइल बना दी है। जी जी सर जी, अब ये फाइल गई है बंद, ठीक हाँ जी, है। ये सारी अब हमने क्या इन्फॉर्मेशन है कर, यहाँ पे, हाँ इसने फाइल जी बना दी है, ठीक है। ठीक है। अब सर जी हम क्या करेंगे, मोबाइल को केबल से उतारेंगे, उसको फास्ट मोड में लेके जाएंगे, ठीक हो जी गया। क्वालकम के मोबाइल को थोड़ा सा तरीका आप बताएंगे कि उसको फास्ट बूट मोड में कैसे लेके जाते हैं? जी, मैं बताता हूँ। इसको सबसे पहले मैंने इसको पावर ऑफ किया, ठीक अभी ये है, पावर ऑफ हो गया। इसका पावर वाला बटन और वॉल्यूम डाउन वाला बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ठीक हो गया। ठीक है, जब इसको हम प्रेस करेंगे ना, ये डायरेक्ट फास्ट मोड में आएगा, ठीक हो गया, और फास्ट मोड में जाके ना सर जी, दोबारा हम इसको लगाएंगे दोबारा केबल, ठीक ठीक है, हो गया। अभी आपको साउंड भी आ गया होगा। अभी हमने क्या करना है, जो हमने फाइल बनाई है ना हाँ जी, वो दो नंबर फोल्डर में बनी थी, ये बनी हुई है फाइल, ठीक हो ठीक है, गया, हाँ बूट जी, बूट वाली। इसको हम क्लिक करेंगे और इसको करेंगे फ्लैश। ठीक हो अभी गया, ये चंद सेकंड में ये फ्लैश हो जाएगा। लो जी, अभी हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हो गया और ये फ्लैश हो गया, ठीक हाँ। अब इसकी हो ना गया। इन हाँ इन्फो लें, इसकी रीड अभी, इन्फो लें, हाँ जी जी वही कर रहा हूँ। हाँ जी विकास भाई एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों को, जी जी जब हम मोटोरोला का सेट को बूट लोडर ऑन करेंगे ना, जी सबसे जी पहले इसके ना इसकी कमांड आएगी बैड कमांड। जब इसको ऑन करेंगे ना, ऊपर लिखा होगा बैड की, सॉरी ठीक बैड है, की आएगा, ठीक ठीक है। है, जब ये रूट हो जाएगा ना मोबाइल, तो हाँ जी इसका ये आएगा, इसके ऊपर ना जैसे दो लाइनें नहीं होती इस जी तरह की जी बनी आएंगी, इसका ठीक है, मतलब हो गया ये रूट हो गया है। अभी ठीक ये हो मोबाइल गया, मेरा ऑन होने वाला है थोड़ी देर में, जब भी ऑन हो जाता है तो मैं इसको अभी चेक करवाता हूँ। ठीक हो गया जी, हाँ अभी क्योंकि ये दोबारा है, मेरे ख्याल से मुकम्मल सेटिंग होगी इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप हो सकता है जो इसको स्टॉप कर लें, तो कोई वीडियो स्टॉप करें।
वकास भाई। जी, हाँ अभी ये ओके हो गया, ऑन हो गया। ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको चेक करें, इसका देखें कि ये पहले नॉट रूटेड आ रहा था, अब हम चेक करते हैं कि ये रूटेड है या नहीं। सही है, इसकी इन्फॉर्मेशन पहले हमने लें, ये फ्रेश किया इसको डिसकनेक्ट कर। और जी, दोबारा कनेक्ट करें इसे। जी अभी दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी ये कनेक्ट हो गया दोबारा। ठीक है अभी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया ये आ गया ये जी। जी, बिल्कुल जी। ये रूट परमिशन जो है ये ओके हो गई है, यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो रूट हो चुका है। जी हाँ जी, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? अभी इसका नेक्स्ट है, इसका ना इमी नेल हुआ पड़ा है। ठीक है ठीक तो ठीक हो गया, इसलिए ना इसको रूट करना पड़ रहा था, तो रूट हो नहीं रहा था, तो ठीक हो गया। इससे रूट एक देखो कितनी जल्दी और कितनी अच्छे तरीके से हुआ, कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं बना। हमें ये डर भी होता है खुदा ना खास्ता हम गलत फाइल लगा देंगे तो हाँ जी, कुछ मसला बन जाएगा, अभी बिल्कुल इससे ये मसला नहीं है। तो सही हो गया। अभी ये वीडियो यहीं से क्लोज करते हैं, ठीक है जी, क्या इंशाल्लाह। कहते हो? हाँ ठीक हो बिल्कुल। गया तो दोस्तों, आज हमने सीखा, हमारे साथ थे गुलफराज भाई, जो जिन्होंने बताया कि कोई भी क्वालकम का मोबाइल हो आपके पास, तो आपके पास अगर EFT है तो EFT से वो 100% जो है वो रूट हो जाएगा बिना किसी डेड रिस्क के। यानी कि आपको रिस्क होता है कि मोबाइल फ़ोन डेड ना हो जाए, लेकिन ये मोबाइल फोन EFT से डेड नहीं होता। बिना रिस्क के, विदाउट एनी रिस्क, आप मोबाइल को रूट भी कर सकते हैं और उसका बूट लोडर है वो भी अनलॉक कर सकते हैं CM2AST मॉड्यूल से। ठीक है, अगर आपको AST मॉड्यूल नहीं मिल रहा तो मेरे पास नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और अपनी CM2 के साथ अटैच करें। तो ठीक है गुलफराज भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।